नाज़रीन एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। वाइब टीवी की खुसूसी इफ्तार नशरियात हैं नेमत इफ्तार, और जैसा कि आप जानते हैं कि अब रोज़ा खुलने में तकरीबन डेढ़ घंटा अभी टाइम है रह गया है, टाइम है, लेकिन ये टाइम बड़े जल्दी से गुजर रहा है। बहुत जल्दी, 5 बजे से हम आते हैं तो आप सोचें कि भी एक घंटा तकरीबन गुजर चुका है, लेकिन ना हमें पता लगा है और उम्मीद है कि जो लोग ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं उनको भी ना पता लगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ यही है कि जो लोग रोजा रखते हैं यानी जो रोजे से होते हैं वो उनका ये जो टाइम होता है यानी असर की नमाज के बाद का जो टाइम होता है, क्योंकि कहा जाता है कि ये बड़ा कठिन टाइम होता है रोजे का, आखिरी जो टाइम होता है वो बड़ा कठिन होता है, उस वक्त भूख भी अपनी बिल्कुल जोबन पे होती है, उस वक्त प्यास भी जोबन पे होती है, तो इसलिए ये जो टाइम होता है इसको काटना बहुत मुश्किल है। हालांकि किचन में खवातीन स्पेशली किचन में लगी भी होती हैं, काम कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो होता है ना वो फील हो रहा है। आप ये देखेंगे जिया 2 साल से जो है किचन से दूर हैं और यहाँ चैनल के किचन से होते हैं लेकिन घर के किचन से दूर हैं। हाँ बेचारे, लाइक मैं जब घर जाती हूँ तो फिर वो मेरे लिए पूरी अफतारी होती है और मैं आराम से बैठ के और रिलैक्स होकर वो अफतारी करती हूँ, तो खैर वाकई में खुश होते होंगे ना आपको देख के, फख्र करते होंगे कि देखें इतने लोगों के लिए अफतार में बैठ के रहनुमाई करना, उनकी उनके लिए अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी ट्रांसमिशन पेश करना, तो मेरे ख्याल में आपके घर वाले ज्यादा मेरे ख्याल से घर की सपोर्ट के बगैर तो कोई कहीं नहीं जा सकता, स्पेशली लाइक अगर हम लड़कियों की अपनी बात करें तो जब तक हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलती जब तक आप नहीं आगे बढ़ सकते, जब तक आप आगे नहीं जा सकते। मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को भी कहती हूँ कि स्पेशली अपनी बहनों को बेटियों को जरूर सपोर्ट किया करें, अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है वो आगे निकलना चाह रही है आगे पढ़ना चाह रही है तो उनको जरूर सपोर्ट करें। जब आप उनको सपोर्ट करेंगे तो देखिएगा वो आपका ट्रस्ट कभी भी नहीं फेंक प्रॉब्लम में लेकर आएंगे, कभी आपका ट्रस्ट जो है ना वो खराब नहीं होगा। आप हमारा हमेशा ये होता है कि हम लोग देखा गया है घबरा रहे होते हैं क्योंकि जब आपको ट्रस्ट नहीं होता, जब ट्रस्ट करते हैं अपनी फैमिली के ऊपर अपनी बेटियों पे अपनी ट्रस्ट को तोड़ता नहीं है, जब आप ट्रस्ट नहीं करते हैं तो अगला बंदा आपके ट्रस्ट का ख्याल रखेगा। बहरहाल हम ये भी बताएं कि इस वक्त हमारे स्टूडियोज में एक और मेहमान का इजाफा हो गया है, इनको आपने मुख्तलिफ चैनल से कंपेयरिंग करते देखा होगा, ज्यादातर इनका ताल्लुक जो है ना सितारों और सैयारों से रहता है। हाँ, तो आज हम जानेंगे इनसे। हाँ, आज हम ये भी जानेंगे इनसे कि सितारों और सैयारों की कितनी नॉलेज इनको आ चुकी है, केमिस्ट्री की कितनी नॉलेज आ चुकी है, ड्रामे भी किए हैं, कमर्शियल्स भी किए। हमारे साथ हैं इरम। अस्सलाम वालेकुम इरम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और आजकल सितारे कैसे जा रहे हैं? सितारे अच्छे जा रहे हैं। अच्छा, फिर हम सब कुछ पता लग गया होगा तो मुझे सितारों का हाल, तो अभी हम सेगमेंट कर लेते हैं ये क्यों एक साल से तकरीबन करते करते तो आपको सारी चीजों की जो है नॉलेज हो जाती है, पता लग जाता है। जैसे हम भी लैपटॉप लेके बैठने बैठे हैं जो की बिल्कुल सितारों के खिलाफ है। सितारों के हवाले से अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफ़सीर में लिखा कि मुअस्सिर हकीकी अल्लाह की जात को समझा जाए, तासीर इसको समझा जाए। अच्छा, मुअस्सिर हकीकी वो अल्लाह की जात है, तासीर यानी फना सैयारा, जैसे कि अक्सर जो है वो मगरिब के बाद के जो सैयारे होते हैं वो मोहब्बतों के लिए होते हैं। बिल्कुल, सिवाय मगरिब के दिन जो है वो मगरिब के बाद जो है पीर के दिन मगरिब के बाद जो है वो सैयारा जो है वो यानी कि उसके लिए बुग्ज़ व अदावत के लिए। तो इस तरह सितारों की अपनी तासीर है। इसका कुरान ने भी हुक्म दिया कि अयनमा तकूनू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा, कि तुम हत्ता के बुरूज जो किले हैं उसमें भी अगर तुम पहुंचो तो मौत तुम्हें वहां भी आकर रहेगी। यहाँ बुरूज का जो है तसव्वुर कुरान और हदीस के अंदर है, मगर ये समझना चाहिए कि वो जो तासीर है वो तासीर उसमें है मगर मौसिर हकीकी अल्लाह की ज़ात। एक दो कमर्शियल्स किए हैं, एक दो प्ले किए हैं और ये जो सितारों का हाल जो से प्ले भी किया है, कमर्शियल्स भी किया है, सितारों का काम कर रहे हम। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैं कैसे टाइम निकालती हूँ? रोजों में इस तरीके से टाइम निकाल लेती हूँ क्योंकि काम जो है थोड़ा कम कर रही हूँ, बस दोपहर में एक शो किया और उसके बाद फिर क्योंकि घर जाना होता है, अफ्तारी बनानी होती है, एक फैमिली का माहौल होता है, यू नो। अच्छा, अफ्तारी बनाती है? हाँ बिल्कुल। क्या बनाती है? खाने अच्छे बनाती है। हाँ, डिफरेंट चीजें बना लेती हूँ, जैसे कभी कोई कहता है दही वड़े बना लो, बहुत सारी आपकी जैसे चीजें तारीफ में कभी कोई कौन है मतलब बच्चे हैं हस्बैंड है, कभी कोई कहता है सड़क पे चलते हुए किसी ने कभी गेस्ट आ जाते हैं, कभी फ्रेंड्स आ जाते हैं, तो इफ्तारी में तो आपका इस तरह चलता रहता है। तो कोशिश करती है, बहुत सारी चीजें बनाती हूँ, रिस्पेक्टिव नहीं बहुत सारी चीजें बनाती हूँ क्योंकि जब मैं बनाने खड़ी होती हूँ ना तो फिर मेरे दिल चाहता है मैं ये भी बना लूँ वो भी बना लूँ। खवातीन के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, हमें होता है हम सबके अंदर है ना, सर ये भी बना लो, मतलब होता है क्या करें यार, बहुत अच्छा फील होता है कि इफ्तारी में अगर 5-6 चीजें रखी और सहरी में भी अगर 4-5 चीजें बनाई जाए तो बहुत अच्छा फील होता है। टाइम बचा तो अच्छा चलो ये भी बना लो, अच्छा ये भी बना लो, ये भी बना लो, और फिर वैरायटी हो जाती है और
इफ्तारी करने में भी मजा आता है। क्या होता है बताती हूँ, ऐसा मसला होता है कि हम ये चाहते हैं हम बहुत सारी चीजें बनाएंगे तो हमें दाद भी बहुत सारी मिलेगी ना, एक्चुअली होती है कि हमें ये दो लड़कियां अगर बैठ के बात तरगीब तरहीब में आता है। हमारे क्या होता है, ये बहुत अहम बात है कि हमारे यहाँ पर हम जल्दी जल्दी इफ्तारी करते हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें खाते हैं, उसके बाद हम इफ्तारी के लिए जाते हैं। तो जबकि उस वक्त किरामन कातिबीन, हम जब अल्लाह के बारगाह में नमाज के लिए आते हैं, हमारे दांतों में कई चीज़ें फंसी हुई होती हैं, तो किरामन कातिबीन उस वक्त जब दांतों में कोई चीज़ें फंसी हुई हों, मुँह के अंदर कोई चीज़ें हों और नमाज पढ़ें, तो वो किरामन कातिबीन को तकलीफ होती है। लिहाजा उलमा ने लिखा कि आप अगर इफ्तारी करें, इफ्तारी के बाद जल्द अज जल्द कुछ जो है मिसवाक कर लें, कुछ भी या ब्रश कर लें, जल्दी से करें ताकि आए, ताकि आपके दांत वगैरह साफ हों और आप अल्लाह के बारगाह में खड़े हों और फरिश्तों को तकलीफ न। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं बाज़ दफा अगर आपका वजू हो भी तो नमाज पे जाने से पहले अगर कुछ खाया तो कुल्ली कर लें, कम अज कम 3 दफा कुल्ली कर लें या हाथों से दांत का मसा कर लें ताकि दांतों के दरमियान जो फंसी हुई चीजें वो निकल। पानी पी लें तो पानी पी सकते हैं, पानी से रोज़ा नहीं टूटता या रोज़ा नहीं, रोज़े में नमाज़ में इशा की नमाज़ में अगर आपने खाना खाया, मुझे एक दोस्त से एक वाकया याद आ गया, एक दफा लाइक मैं कुल्ली, मैंने कहा मैं कुल्ली नहीं करूंगी, अगर मैं पानी पी लूं तो वो अल्टरनेट ही हो गया ना उसका, लेकिन वो एकदम से मुझे वो वाली बात याद आ गई, आप यही सब बस कुछ ना कुछ कर ही रही होती थी, कुछ ना कुछ अगर नहीं करना भूल सकता कोई इंसान, बचपन भूल सकता है, कोई नहीं भूल सकता। कैसा बचपन था, पुराना बचपन, बहुत अच्छा बचपन था, पुराना बहुत पुराना नहीं रहा होगा इनका, तो कल 1.5 का बचपन है ना, कल की बात है कल की बात है, बच्चे अभी मुन्ने खाने में क्या पसंद है, फिर हम अल्लामा साहब से पूछेंगे कि क्या इफ्तार में खाते हैं, क्योंकि हमारे किचन का भी टाइम है। कॉल है हमारे पास एक जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, वालेकुम सलाम, कौन सा बात कर रहे हैं सर? मेरा नाम इमरान है, इस्लामाबाद से। इमरान इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं, मौसम कैसे चल रहा है इस्लामाबाद का ये बताएं। सलमान सत्तार साहब मौजूद हैं, इनसे बात कर लें आप, बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अरे सलमान भाई, मुझे आपसे एक फरमाइश करनी थी। ये नजर मेरी बीच अगर हम ना सुनाते तो बड़ी मेहरबानी होगी। माशाल्लाह। सलमान साहब से वैसे मुलाकात है आपकी, आज सारे इनके जानने वालों की कॉलें आ रही हैं। अरे आज तक सलमान भाई से मेरी मुलाकात नहीं हुई, दिल तो बड़ा है सलमान भाई से मुलाकात करने का। अच्छा, तो बस देखिए टीवी पे हो रही है ना मुलाकात, आज ही मुलाकात तो हो ही गई है। हाँ, बात भी हो गई आपकी। बिल्कुल, अगर बाकी अल्लाह करवा देगा कहने की, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। अच्छा, इस वक्त न्यूज ब्रेक 2 मिनट है हमारे पास, उसके बाद न्यूज ब्रेक। अच्छा न्यूज ब्रेक, फिर हमें न्यूज। अच्छा हाँ, इरम तुम बता रही थी, तो कैसे रोजे का पूरा रूटीन क्या होता है रोजों में? रूटीन किस तरह होता है कि जैसे हम सहरी करते हैं, सहरी के लिए जल्दी उठना पड़ता है फीमेल्स को, क्योंकि उनको सारी तैयारियां वगैरह करनी होती है, मर्द हजरात तो आराम से सोके हो रहे हैं। ये जो अभी बड़ी बातें कर रहे थे ना कि दो औरतें आपस में लग गई हैं, तो औरतों का बड़ा हाथ होता है, वो जो आपको अच्छी अच्छी चीजें खाने में मिलती है तारी में सहरी में, ये औरतें ही आपको बना के देती हैं। सही बात है, बाहर निकल के कमाना शुरू कर दे तो मेरे घर वाले नहीं, क्योंकि औरतें कमाती नहीं है, औरतें सारी काम करती हैं, औरतें बाहर भी काम करती हैं और औरतें घर की चीजें पूरी करती हैं, करा देती हैं कि वो बैलेंस हो जाता है। नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, औरतें सेविंग्स भी जानती हैं। क्यों इरम, बिल्कुल आपको शायद शाखा जो होते हैं वो मर्द आपके साथ जाके बैठ जाऊंगा, फिर इस पे बहस करेंगे, सही बात है, दो टीम्स बन जाएंगी, फिर ऑनर जो है वो लेडीज ही होती है, है ना। सेविंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं खवातीन, क्योंकि घर को चलाना औरतों को, घर को बनाना, घर को चलाना अगर देखा जाए तो वो औरतें ही कर रही होती हैं, आदमी नहीं कर रहे होते हैं। आदमी तो बस शाह खर्च होते हैं, आदमी ने तो बस एक बजट आके दे देना होता है और औरतों ने पूरे महीने चलाना होता है। प्रोग्राम का नाम रखते हैं औरत नामा, आज के दिन आज के टॉपिक हम ये रख रहे थे, नाम रोल की जगह औरत नामा कर देते हैं, दो औरतें दो कहानियां। अच्छा, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है, न्यूज ब्रेक है, न्यूज ब्रेक के बाद आफ्ताब मुगैरी का प्रोग्राम है, आज वो मेरे ख्याल में मक्सी साहब हैं उनके साथ मौजूद हैं, तो हम पहले न्यूज पे जाएंगे, उसके बाद आफ्ताब मुगरी के प्रोग्राम, उसके बाद आपको ज्वाइन करेंगे किचन इफ्तार शान से में, यानी शान के इफ्तार किचन में, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए नेमत-ए-इफ्तार। नेमत-ए-इफ्तार।